हेलो एवरीवन, स्नेहा हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे बच्चे बहुत लाइक करते हैं, इनफैक्ट बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। इसे हम बिल्कुल इजी मेथड से बनाएंगे। मैंने एक पैन लिया है और इसमें एक बड़ा चम्मच हम बटर डालेंगे, और जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें ऐड करें चॉप किया हुआ 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप प्याज, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, और इन सभी को मीडियम फ्लेम में सॉटे करें। नाउ ऐड स्वीट कॉर्न 1 कप, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। नाउ ऐड 1/2 कप बॉइल्ड पोटैटो, इसे मैंने मैश कर लिया है, इससे पिज्जा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप पिज्जा टॉपिंग में अपने पसंद के किसी भी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद इसमें ऐड करें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, पाव भाजी मसाला 1 टीस्पून, गुलकी पाउडर 1 टीस्पून, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो और या हर्ब्स। मसाला हमारा बन गया है। मैं इसमें टमाटर डालना भूल गई थी, तो इस टाइम हम इसमें 1/2 कप टमाटर भी ऐड कर देंगे, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके गैस ऑफ कर दें। ये पिज्जा के लिए टॉपिंग हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब ब्रेड स्लाइस देंगे, इसमें हम बटर अप्लाई करेंगे। ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, और इस तरह से हम एक साइड बटर लगाएंगे और उसी साइड से तवे पे उसे सेकेंगे। एक साइड हमें इसे गोल्डन होने तक सेकना है। ब्रेड हमारा सिक चुका है, इसे निकाल लेंगे। अब हम 2 ब्रेड के पीस लेते हैं, और इसमें हम जिस साइड हमने सेका है उसके उसी साइड हमें लगाना है सॉस। आप पिज्जा सॉस अगर आपके पास है तो आप पिज्जा सॉस लगाएं, और नहीं तो फिर सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो सॉस को मिक्स करके उसे भी आप ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। नाउ स्प्रेड पिज्जा टॉपिंग। इसी तरह हम दूसरे ब्रेड में भी स्प्रेड कर देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरी धनिया भी डालेंगे। नाउ अब ग्रेटेड चीज से इसे कवर कर देंगे। चीज मैंने यहाँ पे अमूल चीज यूज किया है, आप चाहे तो यहाँ पे मोजिला चीज भी यूज कर सकते हैं अगर आपको मेल्टेड चीज चाहिए तो। अमूल चीज अच्छे से मेल्ट नहीं होता है, और ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से ऑरिगेनो और थोड़ा सा गुलकी पाउडर, और इसे अब हम बिल्कुल लो फ्लेम में सेकेंगे तवे पे। तवा बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड आपका बहुत जल्दी सिक जाएगा और चीज़ भी मेल्ट नहीं होगा। इसीलिए तवा को बहुत गर्म ना करें और ब्रेड को लो फ्लेम में ही ढक करके सेकें। तो ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के सारे पिज़्ज़ा बना लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सबका फेवरेट और सबको बहुत पसंद आएगा। पिज्जा बताने से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जो वेज हम यूज कर रहे हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, वो हमें क्रंची ही चाहिए, तभी पिज्जा खाने में मज़ा आता है। चीज़ आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अमूल चीज़ यूज़ किया है। अगर आपको मेल्टेड चीज़ चाहिए तो आप मोज़रेला चीज़ यूज़ करें। होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। Please do like, share and subscribe to my channel and stay
stay updated with my coming recipes. Thank you for watching.